Es el primer muerto de este. श्री राम के आने के बाद ये विश्व परिवार का एक प्रसार हो रहा है। जो जो राम कृष्ण का भगत है वो माता शारदा देवी का भी भगत है और विवेकानंद जी का भी भगत है। इनका भगत एक परिवार है, इस एक परिवार में हम सब एक हैं। इससे हमारी शक्ति, हमारे राम कृष्ण मिलन की शक्ति यही है कि हम सब एक हैं। ये भाव है और दूसरे कहीं नहीं मिलेगा, दूसरे कहीं नहीं मिलेगा। बड़े बड़े धार्मिक संस्थान भी हैं किंतु अलग अलग सेंटर अलग अलग सेंटर हैं, एक के साथ एक का संबंध नहीं है। फिर यहाँ राम कृष्ण मिशन का हर एक सेंटर से मिला हुआ होता है। वो अमेरिका में हो सकता हो, ऑस्ट्रेलिया में हो सकता हो, स्विट्जरलैंड में हो सकता हो, जहाँ जाओगे सिर्फ बोल मैं राम कृष्ण मिशन का हूँ, मैं अपने स्कूल में पढ़ती थी, नाम जगह काम करती थी राम कृष्ण मिशन में, एक को जाए एक विश्व परिवार है। मुझे बड़ा आनंद है तुम सब बच्चे इस विश्व परिवार के अंदर आए। ऐसा कभी नहीं सोचा मैं रामकृष्ण लंदन की हूँ या लंदन का हूँ, तुम विश्व परिवार के एक हो। अभी तुमको मालूम नहीं है तुम ये अरुणाचल छोड़ के दीदी जाएगी या जाए जाएगा, वहाँ देखोगे दीदी के लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। ओ तुम भी तो रामकृष्ण मिशन आ जाओ, तुम मुझे भी जाओगे और बाहर जाओगे बातचीत भी जाओगे। ये विश्व परिवार एक तैयार हो रहा है, इसी के लिए भगवान श्री राम कृष्ण आए। ये जगत में अभी हमें ये मॉडर्न एज में सब कुछ मिल जाता है, एक नहीं मिलता है मनुष्य मनुष्य का प्रेम, मनुष्य मनुष्य के बीच में प्रेम नहीं। वो प्रेम को लाने के लिए भगवान श्री राम कृष्ण आए। श्री राम कृष्ण के भक्त जो होते हैं वो प्रेमी होते हैं। भगवान का उपदेश खुद सुनकर ये सारी दुनिया हमारी है, हम सारी दुनिया की हैं, सारी दुनिया की सेवा करने के लिए हमारा जन्म है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सेवा करना मैंने सिर्फ बोलने से नहीं होगा। बहुत लोग आके स्वामी मैं अपने भाई से बहुत प्रेम करता हूँ, क्या तुम भाई के लिए क्या करते हो बताओ, मैं क्या करते हैं कुछ नहीं करता, तुम्हारे प्रेम कुछ नहीं। प्रेम होने से कुछ क्या करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, उद्घार करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। सो ये राम कृष्ण मिशन का ये विश्व परिवार का निर्माण हो रहा है, उसके तो परिवार के सदस्य बने हो। तुम लंदन के नहीं हो, अरुणाचल के सिर्फ नहीं हो, सिर्फ हिंदुस्तान के भी नहीं हो, सारी दुनिया के श्री राम परिवार के एक सदस्य हो। इतना बड़ा काम वो अभी शुरुआत हुआ है, मुझे बड़ा आनंद होता है यहाँ कर। तो आप जब सब लोगों को देखते हुए हमारे ये छोटा बच्चा हमारे हॉस्टल में यहाँ के हॉस्टल का होने वाला ही हो गया है, हॉस्टल हो गया है, हॉस्टल में लड़के रहते हैं। हमारे छोटे छोटे 5 साल के बच्चे को हमारे हॉस्टल में रखते थे अलग में, वो बच्चे आके 5 साल के बच्चे हमारे सेल्स सेक्शन में जाके टिकते थे कुछ खरीदने के लिए। तो पहला वो बच्चे खरीदते माता शारदा देवी के लॉकेट खरीदते थे, छोटा छोटा बच्चा माता जी को छोड़ के आए ना हॉस्टल में, तो माता जी का प्रेम चाहिए, तो माता जी को देखते ही शिशु माँ को उसको ऐसा लगता है माना अभी माँ को दिख रहा है, तो उसका लॉकेट खरीद गले में पहन देता है और आज बोलते हैं कि माता जी का लॉकेट मिलने के बाद आनंद करता है कि माता जी हैं हम सब लोगों की माँ हैं। देखते ही तुम्हारी माँ जैसे भी श्री जी माँ को देखते थे माँ कहते हैं वही तुम्हारी माँ दिखाई, क्योंकि वो विश्व ज्ञानी नहीं है। सब लोग माता जी हैं, श्री जी माता जी के अंदर हैं, ये सब अनुभूति है। छोटे छोटे बच्चे समझते हैं इसको, श्री जी माँ हम सबों की माँ है, श्री राम कृष्ण हम सबों की देवता है, भगवान श्री स्वामी विवेकानंद जी
विश्व आचार्य हैं, हमारे आचार्य हैं, सबसे बड़े आचार्य हैं। तो एक ही मिसाल देके, एक उदाहरण देके, कैसे हमारे अंदर ये जब ब्रदर सिस्टर का भाव होता है, इसको एक उदाहरण देके समाप्त करता हूँ। हमारे स्कूल में आप सब लोग जानते हो, लड़कियां भी पढ़ती हैं, लड़के भी पढ़ते हैं। कौन सा मेरे सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं, पर नरम में सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं, फिर अलग स्कूल में लड़के लड़कियां पहले से ही पढ़ते हैं एक साथ। तो देश ही भी आते हैं, हमारे तो ठाकुर जी का मंदिर है, और ठाकुर जी के मंदिर को उद्घाटन करने के लिए स्वामी वीरेश्वरनंद जी आए थे, दसवां नाम कितना मन में थे। तो उनको लीलावारी में लाया था कलकत्ते से एयरप्लेन में, और लीलावारी से गवर्नर तब थे हल्दीपुर, वो हल्दीपुर गवर्नर थे, उनके हेलीकॉप्टर लेके उनको वहां से लीलावारी से ईटानगर लाया, और ईटानगर में उन्होंने अस्पताल का अनिवार्य उद्घाटन किया, उसके बाद आनंद में भी आए। तो ये उस समय में जो क्या बोल रहा था, ये एक घटना, उस घटना के बारे में बोलने वाला था। स्वामी वीरेश्वर जी आए, आके उनसे पूछा, गवर्नर ने पूछा, स्वामी जी आपकी क्या उम्र है? जैसे तो गुरु ने कहा कि स्वामी जी 93 वर्ष है। तब स्वामी वीरेश्वर जी से गवर्नर ने पूछा, स्वामी जी आपकी उम्र क्या है? तो महाराज ने बताया उनका उम्र 80 साल तक। उन्होंने कहा ना ये भी ये यंग कैसे होता है, और देखिए 80 ईयर्स यंग बोलते थे। तो वे आके बड़े बड़े आनंद से सब देखते हैं बच्चे इतना एक ब्रदर सब डिस्टर्स की चीज़ें हैं। तो एक बार क्या हुआ, हमारे स्कूल में क्लास 7 की 8 के एक लड़का और लड़की, ये दोनों मेरे पास आई है, मैं वहाँ प्रिंसिपल था। तो ये दोनों लड़के के बोलते हैं, महाराज ये लड़के ने मुझे गालियाँ सुनाई है, गालियाँ सुनाई है। तो मैं उससे पूछा, तुमने उसको गाली दी? हाँ जी। फिर उसने तो छोड़ गई, उसने तो आपको गाली दी, इसलिए मैं उसको गाली सुना दी। उसने कहा अब कौन कहे कि कौन छोड़ गया, फिर किसी को मालूम नहीं, तो दोनों झगड़ा करके आए मेरे पास। मैं सुनने के बाद पूछताछ करके मुझे मालूम हुआ कि ये लड़के ने ही तो भूल किया है, इसने ही शुरू किया है गला गाने देना। उसके बाद शुरू हुआ है झगड़ा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अभी ठीक कर दिया है, ये लड़के ने ही भूल किया है, इसको तो पनिशमेंट देना पड़ेगा। जब एक बार कहता बोला जीते का, देखो अभी मैं ठीक किया है, लड़कियाँ ही भूल किया, उसको मैं पनिशमेंट देने वाला हूँ। फिर एक बात, अगर तुम ये तुम कहोगे उसको पनिशमेंट न दीजिए मत दीजिए, तो दिल से कहना तो उसको माफ कर दिया, उसको पनिशमेंट नहीं देना था, जब तुम कहने से तब उसको छोड़ दूंगा, नहीं तो उसको मैं पनिशमेंट दूंगा। तब स्वामी हमें 2 मिनट दीजिए, बोला चलेगा तो ठीक है 2 मिनट लो। 2 मिनट के बाद आती है, महाराज उसको पनिशमेंट मत दीजिए, क्यों? वो तो हमारा भाई है, तो गाली देने से क्या होगा भाई, तो भाई तो छोड़ दीजिए उसको। आज को भी घटना आती थी आपका मैं सुनती, ये है भाई वही कमा, ये कैसा आता है, सब लोग हमारे मंदिर में जाते हैं, जो जो स्कूल में आते हैं मंदिर में जाके ठाकुर जी रामकृष्ण को प्रणाम करते हैं, और अपने को रामकृष्ण के संतान समझते हैं, उनके परिवार के सदस्य समझते हैं, तो सब संकल्प भाई 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 बहन, तो इसमें द्वेष की बात ही नहीं है। इतनी लड़की क्लास 8 की लड़की गाली गाई है, फिर भी उसको माफ कर दिया, भाई है वो उसको छोड़ दिए, ये भाव में मैंने देखा है बाद में भी उनके जीवन में है। तुम लोग के जीवन में ये भगवान का प्रेम, रामकृष्ण का प्रेम, विवेकानंद जी का प्रेम, शारदा देवी जी का प्रेम तुम लोगों को बचाएगा। तुम जहाँ भी जाओगे तुम प्रेमी मनुष्य बनोगे, प्रेमी मानवीय बनोगे, जहाँ जाओगे सब लोगों को मीठा 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 स्वभाव, तुम दुख
देखे आपके ठीक होने को, तो मैं आज को भगवान श्री राम कृष्ण से और श्री माता शारदा देवी से और स्वामी विवेकानंद जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि वे उनका पूरा आशीर्वाद आप लोगों पर वर्षण करें, आप सब लोग अच्छे लड़के लड़कियाँ बन। और दूसरा कुछ पैसा इतना कमाया कितने नहीं कमाए वो भी पतली बात नहीं है, फिर अच्छा बनना सबसे बड़ी बात है। बनो मनुष्य, बनो अच्छा मनुष्य, बनो हमें मनुष्य तो बहुत बनते हैं, क्या काम का है अच्छे मनुष्य का ही काम। तो स्वामी विवेकानंद कहते थे जीवन में, जीवन का पूरा ये संदेश मैं देता हूँ, ये वह है अच्छे बनो अच्छा बना हो बुझो, यही तुम लोगों का लक्ष्य रहो, तुम अच्छे बनो ऐसे अच्छे बनोगे, प्रेम करो अच्छे के जीवन और उपदेश को पढ़ो, श्री माँ से प्रेम करो उनका जीवन और उपदेश को पढ़ो, स्वामी विवेकानंद जी से बात करो उनके जीवन और उपदेश पढ़ो, अच्छा बनोगे ही बनोगे, तुम अच्छा बनने से वो आप ही अपने पास आते। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ तुम सब लोग अच्छे मनुष्य बनो, बन के सब लोगों के लिए तुम्हें केवलं शरणे प्रभु कृपा हि केवलं, कृपा हि केवलं, कृपा हि केवलं शरणे। जय जय राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं शरणे। Jai Jai Ram Krishna Sharanam,
Jai Swami Ji.